हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बटर कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रिच कुकीज़ होती हैं और इनका टेक्सचर एजेस से क्रिस्प होता है और सेंटर से सॉफ्ट। पाइपेबल कुकीज़ है ये, तो आप आराम से इनको फैंसी डिज़ाइंस भी दे सकते हैं। गिफ्टिंग के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी कुकीज़ बनती हैं। सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैं लूँगी यहाँ पे अनसॉल्टेड सॉफ्ट बटर। बटर को कम से कम फ्रिज से एक घंटे पहले आप निकाल दीजिए। और हाँ, इस रेसिपी में आप सॉल्टेड बटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सॉल्टेड बटर में काफ़ी हाई सॉल्ट कंटेंट होता है जो इन कुकीज़ के टेस्ट को ख़राब कर सकता है। उसके बाद एक स्पैचुला की मदद से या एक हैंड हेल्ड विस्क की मदद से हमें इस बटर को बीट करना है। बीट सिर्फ बटर के स्मूथ होने तक ही करना है, ओवर बीटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें इसमें एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है। ओवर बीटिंग से होगा क्या, एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और बेकिंग के टाइम कुकीज़ स्प्रेड हो जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी कुकीज़ स्प्रेड हों। तो करीब 30 सेकंड तक बस इसे हमें बीट करना है, और उसके बाद हम इसी बाउल के ऊपर छलनी रख के इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर पाउडर्ड शुगर नहीं होती है, तो इसीलिए हमें इसे पाउडर्ड शुगर से रिप्लेस नहीं करना है। और दूसरा, आप जब भी आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे, हमेशा छान के यूज़ करें, क्योंकि आइसिंग शुगर में बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं और जो कुकीज़ का टेक्स्चर ना ख़राब कर सकते हैं। तो छानने से सारे लम्स रिमूव हो जाएंगे, तो आप हमेशा इसे छान के ही यूज़ करें। अब एक स्पैचुला की मदद से बटर और आइसिंग शुगर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गाइज, इस रेसिपी में यूज़ होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, बटर और आइसिंग शुगर आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक एग का वाइट वाला पोर्शन। योक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बटर के रूप में इसमें ऑलरेडी काफ़ी फैट है, और एग वाइट में प्रोटीन होता है जो कुकीज़ को एक टेक्सचर देता है और उसके एजेस को क्रिस्प बनाता है। ये देखिए, एग वाइट को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हाँ, याद रखिएगा कि जो एग वाइट है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो अगर आप अंडे फ्रिज में रखते हैं, तो कम से कम एक घंटे पहले ज़रूर से फ्रिज से निकाल लीजिएगा। एग वाइट पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसमें डालेंगे प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट। याद है ना, एसेंस नहीं यूज़ करना है, हमें प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट ही कुकीज़ में यूज़ करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी बाउल के ऊपर अब हम रखेंगे छलनी। इसमें डालेंगे मैदा, और स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए डालेंगे बस चुटकी भर नमक। इन्हें हमें शुगर और बटर मिक्सचर में दो पोर्शंस में ऐड करना है। छान के ही ऐड करें, क्योंकि कभी कभी मैदे में लम्ब्स भी होते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो वो रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट पोर्शन को ऐड किया और बटर और शुगर मिक्सचर के साथ मिक्स किया। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्लूटेन फॉर्मेशन हो और कुकीज़ हमारी च्यूई बने। बस ये कंबाइन हो गया है, अब हम बचा हुआ मैदा भी इसमें ऐड करेंगे। छान के ही ऐड करें। और हाँ, अगर आपको एगलेस बटर कुकीज़ की रेसिपी भी देखनी है, तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। बड़ी ही मज़ेदार कुकीज़ बनती हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है, और हमारा कुकी डो रेडी हो जाएगा। डो एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब हम एक पाइपिंग बैग को प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने पाइपिंग नोजल टिप नंबर 2D ली है। इसको हम एक पाइपिंग बैग में अरेंज करेंगे। आगे से पाइपिंग बैग के टिप को हम कट करेंगे, और ये देखिए, अरेंज करके और एक टॉल ग्लास में इस पाइपिंग बैग को शिफ्ट करेंगे। अब कुकी डो को पाइपिंग बैग में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, सारा कुकी डो एक बार में पाइपिंग बैग में आराम से आ जाएगा। अब एक कुकी शीट के चारों कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा डो हमें लगाना है, और उसके ऊपर हम पार्चमेंट पेपर को स्टिक करेंगे। इससे होगा क्या कि जब आप कुकीज़ को पाइप करेंगे, तो ये पार्चमेंट शीट ना हिलेगी नहीं, तो आपका कुकीज़ का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। कुकी डो को पाइप करना शुरू करेंगे, और हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि दो कुकीज़ के बीच में 2 फिंगर गैप होना ज़रूरी है। कभी कभी अगर कुकीज़ स्प्रेड हो जाएं, तो आपस में इस ट्रिक से स्टिक नहीं होंगी। हर दो कुकीज़ को पाइप करने के बाद पाइपिंग टिप को क्लीन करना भी एक अच्छा आइडिया है, उससे शेप हमेशा क्लीन आती है। इस रेसिपी से करीब 12 से 15 कुकीज़ आप बेक करेंगे, और ये देखिए, दूसरी बेकिंग शीट पर भी मैंने सारी कुकीज़ पाइप कर दी हैं। अब इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए हमें रेफ्रिजरेट करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। राइट अवे अगर हम इन कुकीज़ को बेक करेंगे, तो ये प्लेन कुकीज़ ही बनेंगी, इनका सारा डिज़ाइन बेकिंग के टाइम ख़त्म हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में हम अवन को प्रीहीट करेंगे, जिसके लिए यहाँ मेरे पास 52 लीटर्स का ओटीजी है, जिसे मैं 170 डिग्रीज पर दोनों रॉड्स को ऑन करके 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट करूँगी। अब हम इन कुकीज़ को 170 डिग्रीज पर 13 से 15 मिनट्स के लिए बेक मोड पे बेक करेंगे। कुकीज अच्छे से बेक हो चुकी हैं, साइड से देखेंगे आप तो ये गोल्डन हो चुकी होंगी, लेकिन सेंटर से अभी भी ये थोड़ी सॉफ्ट होंगी। 5 मिनट तक इसको ट्रे में ही रहने देंगे और उसके बाद वायर रैक पे इन कुकीज़ को एक एक करके शिफ्ट करेंगे और इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। वैसे तो इन कुकीज़ को आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, आराम से ये 3-4 दिन तक एयरटाइट कंटेनर पे क्रिस्प रहेंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा चॉकलेट में इनको डिप करूँगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्योर चॉकलेट माइक्रोवेव कर ली है। कुकीज़ के आधे पोर्शन को मैं चॉकलेट में डिप करूँगी और वहीं पार्चमेंट पेपर पे इसको सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। 1-2 घंटे में चॉकलेट जब सेट हो जाएगी तब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी। गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग।